अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं ज़िया तारिक और आप देख रहे हैं एडिटिंग ट्रिक्स। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि ये टिकटॉक की ट्रेंडिंग वीडियो है। तो गाइस, आपको आज मैं इस तरह की वीडियो बनाना सिखाऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई से नई जो वीडियो आए आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो गाइस, सबसे पहले आपने एक ऐप इंस्टॉल कर लेना है, एलाइट मोशन, ठीक है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहां से जाकर आपने इसे डाउनलोड कर लेना। तो एलाइट इंस्टॉल करने के बाद आपने इसे ओपन कर लेना और ये एक परफॉर्मेंस के लिए ना वीडियो की, ये आपकी थोड़ी से लोडिंग लेगा, ठीक है। आपने वेट करना, ठीक है। लोडिंग मुकम्मल होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ठीक है। तो आपने प्लस के आइकन पे टैप कर दें, ठीक है। आपने जैसी भी वीडियो बनानी है, ठीक है, यहाँ से वो रेशो सेलेक्ट कर लेनी है इनमें से, ठीक है। मैं 16:9 वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल रखनी है, ठीक है। और ये लाइट ग्रे है, इसे वाइट कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने इसे जो भी नेम देना है वो उसे नेम देना प्रोजेक्ट को। मैं जैसे देता हूँ नेम आर्ट, ठीक है। इसे क्रिएट प्रोजेक्ट को क्लिक कर देना, ठीक है। आपके बाद इसके बाद आपको ये इंटरफेस शो होगा। आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और इमेज और वीडियो में जाना है, ठीक है। इमेज और वीडियो में जाने के बाद आपने इसे व्यू ऑल कर लेना, ठीक है। व्यू ऑल करने के बाद आपको मैंने एक या दो इमेज का मैंने ना लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ से जाके आपने इन इमेज को डाउनलोड कर लेना। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इनमें से कोई भी जो भी मुझे अच्छी लगती है, तो मैंने सेलेक्ट करके इसके बाद आपने प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना, ठीक है। ये हो जाएगी ऐड, ठीक है। इसके बाद आपने इसे ऐसे करना और इसे खींच के जितने सेकंड की आपने वीडियो क्रिएट करनी है उतने सेकंड आपने इसे खींच के लंबा कर लेना। ऐसे इसे आपने इसे 10-12 सेकंड तक इसे लंबा खींच के लंबा कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपने किसी भी जगह पर टैप कर देना, फिर आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टेक्स्ट का मिलेगा ऑप्शन, इस पर क्लिक करना और आपने अपना नेम जो भी लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ ज़िया तारिक। इसके बाद आपने इस पर क्लिक करना और इसका कलर आपने कर देना ब्लैक, ठीक है। क्लिक करना, टिक पे क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक करना फिर दोबारा नेम पर, ठीक है। तो नेम पे क्लिक करने के बाद आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ पे क्लिक कर इसका साइज बड़ा कर लेना, ठीक है। मैं इस तरह जैसे कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से जाकर आपने कोई अगर फॉन्ट इंस्टॉल की हुई है और वहाँ से जाकर आपने इसे एक्सपोर्ट कर लेना, फॉन्ट व्यू ऑल फॉन्ट पे क्लिक करना और ऐसे। अगर आप मेरे वाली फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाकर आपने इसे डाउनलोड कर लेना। तो मैं यूज़ करता हूँ ये वाला, ठीक है। ये देखो इस तरह नेम लिखा जाए। अगर नहीं आपने ये यूज़ करनी तो मैंने सिग्मा 5 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। इसके बाद आपने टिक पे क्लिक कर देना और इसके बाद आपने जाना बॉर्डर शेडो में, ठीक है। शेडो को अनेबल करके और इसका कलर वाइट कर देना, ठीक है। वाइट हो गया और शेडो थोड़ा ज़्यादा कर देना। इसके बाद आपने फिर दोबारा ऐसे टैप करना और दोबारा नेम पे टैप करके कलर फिल पे क्लिक कर देना और यहाँ पे क्लिक करके इसकी अल्फा ऑपेसिटी जो है वो ऐसे कर देनी है, ठीक है। इसके बाद दोबारा आपने कहीं पे भी टाइप कर देना, ठीक है। नेम को ऐसे आपने पकड़ना और खींच के वीडियो के लास्ट तक ले जाना। तो गाइस, ये देख सकते हैं, लास्ट तक इसे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मैंने एडजस्ट कर लिया इसे, ठीक है। जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है नेम का वो आपने ऐसे यहाँ पे क्लिक
और ऐसे कर दें, ठीक है। इसके बाद आपने दोबारा नेम पे टैप करना और इफ़ेक्ट में आ जाना, ठीक है। ऐड इफ़ेक्ट करना है और आपको ड्राइंग में जाकर मिलेगा ड्राइंग प्रोग्रेस, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पे एंड पे क्लिक करना और यहाँ पे प्लस कर देना, ठीक है। प्लस करने के बाद आपने इसे ऐसे स्क्रॉल करना है, ठीक है। ऊपर देखें रेज होना शुरू स्टार्ट हो गया, और ऐसे करने के बाद आपने इसे पकड़ना और साइड पे ले जाके आपने यहाँ पे भी प्लस का टैप देके इसे दोबारा ऐसे कर देना, ठीक है। ये इधर से देख सकते हैं आप वीडियो। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो लाजमी करना है, ठीक है। अगर आपने इसमें म्यूज़िक ऐड करना है प्लस के आइकन पे क्लिक करना और आइडियो में जाकर आपने जो भी म्यूज़िक ऐड करना है वो क्लिक करके ऐड कर लेना, और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसे ऐसे प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, और ये एक्सपोर्ट हो जाएगी।